ये कहाँ जा रहे हो? ऊपर किधर से जाओगे? ये रास्ता हम भी तो इधर से ही आए, नहीं इसी रास्ते से आए। ये अच्छा जगह है, वेलगांव का इधर है, यही नेलगांव है। अच्छा, अभी घोड़ा में क्या करोगे? ये ऊपर जाएंगे, मकान बन रहा है ना, तो नीचे से ले जा रहे हो क्या, नदी से? अच्छा, दिन भर यही करते हो? देखो देखो देखो, ये दिन भर यहीं से इन खच्चरों से रेत लेकर के ऊपर जाते हैं और ऊपर घर बनाते हैं, और ये इन पहाड़ों के ऊपर यही साधन है, रेत बजरी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है इन्हीं रास्तों से उन्हें जाना है। और ये देखिए, बिल्कुल ये जिस रास्ते से हम लोग अभी नीचे आए इसी रास्ते से ये खच्चर लगातार इस नदी से रेत और बजरी लेकर के ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब ये छुप गए क्योंकि ये रास्ता जंगल वाला है और इन्हीं जंगल वालों रास्ते से हम भी आए हैं। तो ऐसा ही है पहाड़ का जीवन, जहां हम देख सकते हैं कि प्रकृति है, सब कुछ है, बहुत ही कह सकते हैं कि शुद्ध वातावरण है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, परंतु पहाड़ों की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है, गरीबी है, रोज़गार नहीं है और यहाँ पे कामकाज का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण से लोग बहुत ही मेहनत यहाँ करना पड़ता है उन्हें, साथ ही साथ उन्हें शहर की तरफ। और उत्तराखंड में ऐसे करीब 1600 गांव हैं जहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया, लोग गांव खाली हो गए, और ये सबसे बड़ी एक विडंबना है इन पहाड़ों की, जहाँ पे सब कुछ है, प्रकृति, नेचर, जड़ी बूटी, औषधि, हर्बल, जो कहिए सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि रोज़गार नहीं है, काम धंधे नहीं है, गरीबी बहुत है। तो सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ यहाँ प्रकृति है, उसको बचाए रखने में सरकार मदद करें और सरकारों को ठोस प्लान बना करके ठोस उनको कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि पहाड़ की जो एक कह सकते हैं कि यूथ फोर्स है वो इन्हीं पहाड़ों पे ही रहे और यहाँ पे रोज़गार के अवसर पैदा हो, ताकि इन प्रकृति को यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, वो बचाए रखें और यहाँ के एक जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पे इनका एक हक बना रहे और इनकी जीवन रोजी रोटी यहाँ पे चलता रहे, नहीं तो लोग बाहर से आ करके यहाँ के रिसोर्सेस पे अपना हक जमाते हैं और पैसे के बल पे यहाँ के लोग जो पहले मजदूरी करते थे वो आज भी मजदूर का ही जीवन जी रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इन पहाड़ों का, और सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए।